नमस्कार, आज बात करते हैं आयुर्वेद एंड माय किचन। मेरी किचन में आयुर्वेद का क्या क्या है और क्या उपयोगिता है आयुर्वेद की हमारे किचन में। एक कहावत है, अगर हम खाना ठीक खाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, और ये बहुत सार्थक कहावत है, क्योंकि अगर हम खाना, हमारा शरीर बनता है अन्न से, अगर हम वो प्रॉपर लेंगे, बहुत कम मात्रा में भी लेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देगा और हमारा शरीर अच्छे से परिपूर्ण होगा। अब आजकल बहुत ट्रेंड है कि कुकिंग में यूटेंसिल्स कौन से यूज किए जाएं। लोहे की कढ़ाई आप यूज कर सकते हैं, लोहे के बर्तन यूज कीजिए, पीतल के बर्तन यूज कीजिए, स्टील का कुकर यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन हार्मफुल है इसलिए उनको अवॉइड कीजिए। ऑयल्स पर आते हैं, अगर हम सरसों का तेल यूज करें तो ये सिर्फ जिनकी कफ बढ़ी हुई है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी एक्टिविटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन पित्त वाले इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या स्किन पे रैशेज वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए देसी घी बेस्ट है। देसी घी वैसे भी जिनका ब्रेन की एक्टिविटी है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये गाय का देसी घी उत्तम है हमारे लिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है, इसलिए इसको आप कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज कीजिए और एंजॉय कीजिए इसको अपने कुकिंग में। इसके बाद कोकोनट ऑयल, ये पित्त शामक है, शरद ऋतु चल रही है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम है उनके लिए ये भी वो कुकिंग में यूज कर सकते हैं। तिल का तेल विंटर्स में यूज कर सकते हैं आप। और इसके बाद मैंने दिखाया हुआ है गुड़, चाय पीनी है वो इससे मीठी करके पी सकते हैं, या कोई भी स्वीट डिश अगर आप बनाते हैं और गुड़ डालते हैं, आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें, फाइबर बहुत है, तो इसलिए आप इसको बच्चों को भी खिलाइए, ये एक हेल्दी ऑप्शन है मीठे के लिए। और इसके बाद मैंने रखी हुई है दालचीनी, डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है दालचीनी और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। रखा हुआ है दूध, आजकल वीगन डाइट का बहुत ट्रेंड है, आयुर्वेद के अनुसार दूध एक कम्प्लीट आहार है और इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये। इसके बाद मैंने रखी हुई है छोटी इलायची, जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, पित्त शामक है और हमारे लिए वैसे भी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। शहद और घी दोनों बराबर मात्रा में मत लीजिए, कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसके अकॉर्डिंगली ये भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, आप इसको वैसे आप ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ भी शहद अवॉइड कीजिए। और ये है आंवला, इसको अपनी डाइट में रखिए अगर आप एजिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं, डेली एक आंवला आप ले सकते हैं। ये कुछ स्पाइसेस हैं, इनसे भी अगर आप खाने में इसको यूज करते हैं, जैसे काली मिर्च है कोलेस्ट्रॉल कम करती है, जीरा पाचन करता है, धनिया बहुत ठंडा होता है तो वो भी हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। और ये दो दालें मैंने दिखाई हुई है, स्पेसिफिकली दो ही दिखाई है, उड़द की दाल हैवी है, मूंग साबुत सबसे हल्की है और बेस्ट दाल है, दूध के बराबर इसकी क्वालिटीज है। और धन्यवाद।